हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मधु रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ रतालू की पकौड़ी। यह बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये देखिए कितनी अच्छे से ऊपर से क्रिस्पी दिख रही है और अंदर से बहुत सॉफ्ट है। ये देखिए, ये मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कितना अच्छा रतालू अंदर से पक गया है। तो चलिए हम बनाना चालू करते हैं। ये इसके लिए मैंने रतालू ले लिया है। रतालू को अच्छे से छील के काट लेंगे। पहले मैं रतालू को छील लेती हूँ अच्छे से। इस तरीके से हमें रतालू को छील लेना है। अगर आप नए हो किचन में तो तेल जरूर लगाएं अपने हाथों पे। ये मैंने अच्छे से रतालू को छील के और काट लिया है। ये न ज़्यादा बड़े पीस रखे हैं न छोटे रखे हैं, ताकि अच्छे से अपने अंदर से पक जाए। तो अब हम बैटर तैयार कर लेंगे। ये बैटर के लिए मैंने मिक्सिंग बाउल में बेसन ले लिया है। तो मैं इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं लाल मिर्च, मैं कम ही डाल रही हूँ क्योंकि मैंने हरी भी ली है। हल्दी पाउडर, ये मैंने अजवाइन ले लिया आधी चम्मच। धनिया पाउडर, स्वादानुसार नमक ले लें, और ये काफ़ी सारा धनिया ले लिया मैंने। हरी मिर्च, हरी मिर्च का पेस्ट भी बना सकते हैं आप। अब एक पिंच में थोड़ी सी इसमें बेकिंग सोडा डालूंगी, बेकिंग पाउडर, ये एक पिंच ही, मैंने ज़्यादा नहीं लिया है। और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम बैटर बना लेंगे। ज़्यादा न पतला रखना है न गाढ़ा रखना है। हमें रतालू को अच्छे से इसमें कोट करना होगा। ये इस तरीके से मैंने बैटर बना लिया है। तो अब हम इसमें रतालू डाल देंगे और एक तरफ मैंने तेल रख दिया गर्म होने के लिए। अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मैंने तेल रख दिया है, तेल भी गर्म हो गया है, मैंने मिर्ची डाल के देख लिया है। तो अब हम इसमें पकौड़ी तल लेंगे। ये रतालू को अच्छे से कोट करते हुए बेसन में अच्छे से इसमें डाल देने हैं। इस तरीके से अच्छे से ऐसे उलटते पुलटते हम अच्छे से पकौड़ी को सेक लेंगे। और गैस तो मीडियम ही रखनी है, नहीं तो ये ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चा रह जाएंगे रतालू। ये इस तरीके से हमारी पकौड़ी अच्छे से पक गई है, तो हम निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे पकोड़े तल के तैयार कर लिए हैं और बहुत अच्छे बने हैं। ये आप देख सकते हैं अंदर से कितने सॉफ्ट है। रतालू हमारा अच्छे से पक गया है।
तो आपको कैसी लगी रेसिपी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हम ये प्याज मिर्ची रखें गार्निश कर देंगे।